बॉलीवुड बदमाश रहा है काफी चीजों के लिए। प्लेचरिज्म जिसमें हम इंटरनेशनल सिनेमा से स्टोरी, कैरेक्टर और स्क्रिप्ट कॉपी करके अपने बॉलीवुड में पेस्ट कर देते हैं। और अगर हम म्यूजिक की बात करें तो हमने इतने गाने कॉपी किए हैं कि हम उसकी एक अनगिनत लिस्ट बना सकते हैं। और आज हम उसी लिस्ट के कुछ गानों की बात करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस लिस्ट का पहला गाना है मुझे नींद ना आए। दिल 1990 की वो मूवी है जिसमें आमिर खान और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे। इस मूवी का जाना माना गाना मुझे नींद ना आए कॉपी किया गया है। ये गाना असल में लिया गया है गाने चुन्नी उड़ उड़ जाए से, जिसे बनाया है एक यूके बैंड अलाप ने, जिसके निर्देशक हैं चन्नी सिंह। हरे राम भूलभुलैया एक मजेदार हॉरर फिल्म थी जिसमें एक अच्छी एक्टिंग से लेके बेहतरीन स्क्रिप्ट तक सब कुछ था। और हाँ, उसमें प्लेजराइज्ड म्यूजिक भी था। ये गाना लिया गया है साउथ कोरियन ग्रुप JTL के गाने माई लिकॉन से। ए दिल लाया है बहार, क्या आपको याद है 2000 की वो मूवी क्या कहना। ये मूवी एक कमर्शियल सक्सेस थी, पर इस मूवी का एक गाना ए दिल लाया है बहार असल में एक कॉपी था। मील सड़ाका 50s के एक सेंसेशन थे और उनके कई हिट गानों में से एक था ओ कैरल। तो आइए दोनों गानों की समानताएं देखते हैं। दिल चीज तुझे दे दी, ये गाना है कमर्शियली और क्रिटिकली हिट मूवी एयरलिफ्ट का। इस गाने का ओरिजिन बहुत सी जगहों से है। सुनने में आया कि इस गाने का ओरिजिन हुआ है 2010 में आए गाने दीदी से। पर असल में ये गाना लिया गया है 1992 के सॉन्ग दीदी से, जिसे बनाया है अल्जीरियन आर्टिस्ट जेब खालिद ने। कहो ना प्यार है, क्या आपको याद है वो 2010 की एक ब्लॉकबस्टर मूवी। इस मूवी का एक स्मैश हिट गाना दिल ने दिल को पुकारा असल में कॉपी किया गया था। अगर आप सुनोगे वेंजेलिस बाय वॉइसेस तो आपको पता चलेगा कि उस गाने की ट्यून इस गाने की ट्यून की कार्बन कॉपी है। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था, मुझे प्लीज़ बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू।